मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद हाड़ कपा देने वाली ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि 22 और 23 जनवरी को ग्वालियर चंबल संभाग में हल्की बारिश होने के आसार है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में बादल छा सकते हैं। ऐसे में जनवरी के आखिर में कड़ाके की ठंड का तीसरा दौर आ सकता है। फिलहाल पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की जकड़न में है। ग्वालियर चंबल शीतलहर से कांप रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा दतिया है। यहाँ मंगलवार रात का तापमान 2.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री रहा। भोपाल में इस सीजन में जनवरी की रातें 23 साल में सबसे सर्द रही। इंदौर में मंगलवार का दिन भी कोल्ड डे के करीब रहा। प्रदेश के 47 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम रहा है। उमरिया, चंबल, रतलाम, राजगढ़, रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर और दतिया जिलों में कहीं कहीं शीतलहर का असर है। मौसम विभाग के अनुसार आज चंबल संभाग के साथ ग्वालियर, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया में 16 से 18 घंटे किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेगी। चंबल संभाग के जिलों में और ग्वालियर, छतरपुर, दतिया में पाला गिर सकता है। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने खेतों के आसपास लगातार धुआं करने की सलाह किसानों को दी है।